और सुंदर लग रहा था। कैसे हैं आप लोग? वाह वाह क्या बात है। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। जय राम जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। लाइट नहीं है फिर भी मैं अच्छे से हूँ। गांव के रहने वाले हम लोग तो इसे गांव में नहीं होता था कि मतलब लाइट आए ना आए, कोई लेना देना नहीं है। बाहर बैठे हैं पेड़ की छाँव में, बस वही कंडीशन है। वही नहीं, जब आनी होगी आएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी। बस थोड़ा सोने में दिक्कत होती है। यहीं गैलरी में चारपाई डाल लेते हैं, सोते हैं। क्या करें, सोते हैं जगते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। बट कोई नहीं, इसी का नाम ज़िंदगी है। थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना ही पड़ता है। आज है तहसील दिवस तो 2 बजे तक वहीं पे रहेंगे, 2 बजे के बाद आएंगे। इसमें कोई नहीं देखेगा? नहीं, हमारी दीदी देखती है। हाँ? सच्ची? हाँ? तो दीदी खाए तो बोल दो, दीदी देखती है ना, बोल दो। नहीं। क्यों? नो नो, नो नहीं बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ, क्या नाम है दीदी का? नहीं। दीदी का नाम क्या है तुम्हारे? नहीं। अच्छा, देखती मेरा व्लॉग? सच बताओ। नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीना था मुझको, भूख लगी है। समोसा मोसा की दुकान तो बंद है क्या? खुला, लेकिन अभी ठंडा होगा। ठंडा होगा ना, तो पैसा दूं ले आओ। तो चलिए अब इनको मैं पैसा दे देती हूँ और मंगाती हूँ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी बहुत। ठंडी कम हो गई। ठंडी नहीं है? अरे देखूं, अरे बिल्कुल ठंडी नहीं बेटा, नहीं पीऊँगी मैं, वापस कर दो। बिल्कुल ठंडी नहीं, क्या करूँगी? यहाँ रख दे डॉक्टर। कान के यहाँ फ्रीज है और? ले आया। जुखाम हो गई ना खूब। क्या बात है? कहाँ क्या बात है, बोर हो गए अकेले। वाह वाह क्या बात है। हाँ हाँ, इधर बन गई है पकौड़ी, हम लोग जा रहे हैं खाने और चाय रखें, इसके बाद पियेंगे। चिली सॉस भी दो। बता दूं, क्योंकि 3 दिन से हम लोग बिना लाइट के रह रहे थे और अभी जो है आई थिंक 9 बज रहे हैं। लाइट तो आ गई 3 बजे, लेकिन रुक नहीं रही थी, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो अभी बहरहाल 10 मिनट से लाइट रुकी है और मैंने कूलर नहीं चलाया, क्योंकि इन्वर्टर एकदम डिस्चार्ज है। इन्वर्टर ऑन की हूँ, जैसे कूलर चलाती हूँ पता नहीं चलता, और मतलब इन्वर्टर से कूलर चलने लगता है तो लाइट एकदम से चली जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम यार मोबाइल चार्ज करने के लिए तो रहे, इस वजह से मैं नहीं चला रही हूँ। और हस्बैंड जी गए हैं थाने, आज आईजी वगैरह की मीटिंग है कुछ, तो इसी वजह से थाने गए हम, 8 बजे ही चले गए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को बता देती हूँ कि लाइट आ गई। और फ्रेंड्स, गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कल आपने देखा होगा बारिश हुई, लेकिन बस आप बाहर बैठो तो थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, लेकिन रूम में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं पूरा पसीना पसीना हो गया। हवा कितनी तेज़ चल रही है देख। अभी मैं बैठी हूँ बाहर। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:30। हम लोग खाना खाए, उसके बाद थोड़ा सा जो है मैं टहली हूँ इधर उधर इधर उधर, उसके बाद मैं आके बैठ गई
और मैं बैठी हूँ, हवा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। तो अभी इसके बाद जाएंगे पानी पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो कल मैं रात में सूट की थी, उसके बाद मैं मोबाइल नहीं उठाई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8 और हम लोग नहा लिए हैं। इसके बाद जाएंगे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे और फिर जाएंगे आज हम लोग मंदिर। यहाँ काली माता का मंदिर है, बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, हम लोग बताते हैं। तो चलिए आप लोग को भी ले चलेंगे, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। गए हैं रेडी अब चलने के लिए मंदिर, तो आप लोग को भी ले चलेंगे घुमाने मंदिर में। भाई चाय वाय पी लें, बिना चाय तो सर दर्द होने लगता है, इसलिए मैं चाय पी के तब जा रही हूँ। गेट वोट बंद कर दूँगी एक मिनट, इधर सीढ़ी वाला गेट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकल दिए हैं और हम लोग के साथ एक लोग और गए थे, तो इसलिए जो है मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। और देख लीजिए आप पहाड़ कितने बड़े बड़े पत्थर थे, बस देखते ही बन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, देख रहे हैं। और एक तो रास्ता भी नहीं सही था ना, तो वो अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन इतना प्यारा लगा। चुके हैं और पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है आप लोग को। अभी जब नीचे उतरूंगे तब दिखाऊंगे। यार हैंग यार समर बता रहा है मेरा, पूरा तलाव वाला फूल गया है। अरे तो आज की बात थोड़ी नहीं है। पक्का रहा है वो, ये ना ये तालाब पूरा पक्का रहा है ना, अब टूट गई। सो ये मंदिर है, बहुत बड़ी नहीं है जहाँ हम लोग आए हैं दर्शन करने। यहाँ की क्या मान्यता है वो मुझे भी अच्छे से नहीं पता है। जो वहाँ पूजा कराते हैं वो बताए थे कि जो यहाँ के राजा थे, बहुत पहले की बात है, तो वो ये मूर्तियाँ स्थापित किए थे, तो इसलिए इसकी जो है बहुत मान्यता है। और फ्रेंड्स यहाँ सोमवार को और बृहस्पतिवार को मेला लगता है, रोड चढ़ाया जाता है। अच्छा पत्थर कचारक थे आला, नहीं आला उधर जो लड़ते थे वो, तो दूसरे आला है, दूसरा। अरे दूसरा मिठाई और सम्मान को मेला लगता है जी, रोट वोट चढ़ाते हैं पूरी वोड़ी में जी। हाँ उधर चूल्हा बना है ना। अच्छा ये तालाब कभी पूरा पक्का रहा है, दीवारें बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मन कर रहा है यहाँ से जाएंगे। तो दर्शन कर लिए हम लोग फ्रेंड्स, अब चलते हैं वापस। तो फ्रेंड्स
दर्शन करके आ गए और मैं बना ली थी जूड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जहाँ मंदिर थी फ्रेंड्स इतना अच्छा लग रहा था, मस्त एकदम से, पूछिए नहीं। तो एक मिनट, तो वहाँ जो है पीपल का पेड़ था, मंदिर थी और साइड में तालाब था, इतना सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था यहीं रह जाओ, ये एसी कूलर सब बेकार है उस हवा के आगे। तो वो एमपी में पड़ता है, यूपी में नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जो मंदिर है एमपी में पड़ता है, लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में व्यू इतना प्यारा था, पूरा एकदम पहाड़ी पहाड़ था। मतलब मन करता है ना, बस ऐसे पहाड़ वहाड़ आता है तो मन करता है बस देखते रहो। और पुरानी बातें बता रहे थे कि हाँ मतलब उस मंदिर की क्या मान्यता है, तो आप लोग ने भी दर्शन कर लिया होगा। काली माता जी की मूर्ति है बड़ी सी। तो चलिए अब हम कपड़े चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, और मुझे कपड़े धुलने हैं, और मैं चाय बना के गई थी तो वो बर्तन है वो भी धुलने हैं, तो धुल लूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। फिर मैं क्या सोच रही हूँ फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अपने एंड कर दूँ, क्योंकि कल से ही मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे छोटी छोटी क्लिप करके। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने वीडियो का यही एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, गर्मी बहुत पड़ रही है, बहरहाल अब बरसात आ गई है, बारिश भी हो रही है, अब तो इन्जॉय करिए बारिश। किसको किसको पसंद है बारिश कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है बारिश। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय राम जी।